हेलो गाइस, इट्स एग्जीक्यूटर। और अभी स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी सी वॉइस ओवर है, और बस आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। वी आर नियर गोल ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स, और आपकी हेल्प से हम यहाँ पर मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। और आई होप कि ये 100 से हम 1000 सब्सक्राइबर तक चले जाएंगे। और अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक गोल रखा हूँ, एम रखा हूँ 500 सब्सक्राइबर्स की। जब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं यहाँ पर एक रॉयल पास गिव अवे करूँगा। सो लकी जो विड्रॉ होगा, जो लकी सब्सक्राइबर होगा, उसको एक रॉयल पास मेरी तरफ से यहाँ गिव अवे होगा उसे। पर 500 का गोल है। सो होप गाइस, आपके सपोर्ट से हम यहाँ अपना 500 का गोल कंप्लीट करेंगे। श्योर, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लेन पाथ है नोवो रेपनॉय से फार्म के तरफ से स्कूल रोजॉक देता हुआ शूटिंग रेंज यहाँ पर। अच्छा लोकेशन है, नोवो रेपनॉय पर टीम्स उतरेंगी शायद से, और मिल्टा पावर टीम्स जाएंगी, और प्रिजन शेल्टर पोचिंग की रोजॉक स्कूल से वर्नी हॉस्पिटल जॉर्ज पूल यहाँ जाती हुई टीम्स। 14 टीम्स हैं हमारे पास। 25, 24, 22, 15, 12, 11, and 9, 6, 3, 2, 1. और यहाँ पर बहुत सी टीम्स अर्ली उतरते हुए आप देख सकते हैं। नो और अपनॉय के पास से दो टीम्स जाती हुई, मिलिट्री बेस जाते हुए दो टीम्स। और यहाँ पर टीम नंबर 6 जो सोलो सोलो उतर चुके हैं यहाँ पर मिल्टा पावर के लिए, और यहाँ पर टीम 11 और टीम नंबर यहाँ पर जाते हुए टीम 11 और टीम 4 जाते हुए यहाँ पर फ्लिपोव का, और टीम नंबर 9 यहाँ पर शेल्टर लूटेंगे। टीम 3 जाता हुआ पोचिंग की साइड पे शूटिंग रेंज, टीम 2 जाता हुआ यहाँ पर किनके KGF डाटे यहाँ पर सोलो उतर चुके हैं। क्या यहाँ पर गाड़ी लेके वहाँ पर व्हीकल से चढ़ाएंगे वहाँ पर, या वहाँ पर थोड़े से दिक्कत नहीं होती पर यहाँ पर जस्ट क्लोज, यहाँ पर बहुत ही क्लोज यहाँ पर व्हीकल जाता, टीम 15 यहाँ से जाता हुआ, और बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पर टीयर शैडो का यहाँ पर हमको देखने मिलेगा। यहाँ पर सप्रेसर भी देखे, क्या बहुत अच्छा स्प्रे यहाँ पर। यहाँ हेलबॉय सरोज ने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया, अपने आप को स्पॉट करके बता दिया, और यहाँ वो पहले एलिमिनेट होते हुए, और यहाँ स्प्रे लेने की कोशिश, और यहाँ पर बहुत अच्छा स्प्रे यहाँ कनेक्ट हुआ है, और थम्स एक रिवाइव दे चुके थे वहाँ पर जावेद, फिर से नॉक कर दिया। यहाँ पर शायद से रश करना चाहिए, यहाँ पर टीएच शैडो यहाँ पर बहुत अच्छा स्प्रे देते हुए। स्प्रे देने की कोशिश पर स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ, पर टीएच माफिया वहाँ पीछे से आते हुए। यहाँ पर ENG राकीब अगर उनके पास ना जाए, यहाँ से वो बैकस्टेप कर सकते हैं, पर वो जाते हुए इनके पास ENG राकीब माफिया को स्पॉट कर चुके हैं। क्या वो माफिया के पास जाए कि यहाँ पर मारेंगे, और यहाँ पर उनको शॉट्स पड़ता हुआ
यहाँ पर 1 HP बचे हैं, आखिरी प्लेयर 2 नॉक हो चुके हैं वहाँ पर। यहाँ पर फंस चुके हैं ENG रॉकी भी यहाँ पर, क्योंकि 1v4 का सिचुएशन है और बाकी ये हाइपर की टीम को भी पता है कि यहाँ पर एक ही बंदा है। यहाँ पर प्रोन डाउन है, उनको नहीं पता कि बंदा लेफ्ट साइड में है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, वो रिज के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर। पर यहाँ पर ENG स्मोक बॉल बना के आते हुए, पर ENG राकेट पीछे से जाते हुए, पर यहाँ प्रोन डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पर TH शैडो बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, फिर वॉरियर यहाँ पर रेड जोन से नॉक होते हुए। यहाँ पर क्या टीम नंबर 5 यहाँ पर उनके ऊपर रश करेंगे या नहीं, और यहाँ पर फिर से रेड जोन से एक और नॉक, पर टीम 5 यहाँ पर चलो खाने चलो। आप टीम 5 ने देख चुके हैं यहाँ पर किल फीड, उन लोग ने देख चुका है। और यहाँ पर SUGT विलन यहाँ आते थे वॉरियर्स कल, यहाँ पर जो रिवाइव पेन किलर्स मारते हुए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर 1 HP में बच के स्प्रे दे गया है। यहाँ पर रिवाइव मिलता हुआ, यहाँ पर रोशन नॉक है, तीसरा लिंग यहाँ पर नेड पुल कर रहे हैं, और यहाँ पर नेड कनेक्ट होगा शायद, KTS अरमान नॉक हो सकते हैं, क्योंकि ओ वहाँ पर 1 HP KTS अरमान बचे हैं। पर यहाँ से टेटर स्क्वाड यहाँ से आता हुआ, पर यहाँ पर थोड़ा सा गलत UMP का स्प्रे, अगर सही स्प्रे लग जाता तो यहाँ पर एक और नॉक निकल सकता, पर टीम नंबर यहाँ पर 5 एलिमिनेट होती हुई। टीम नंबर 25 डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कोचिंग की साइड पर, टीम 3 और टीम 25 दोनों ही यहां पर और फ्रॉड नॉक होते हुए इधर यहां पर ओपन में यहां नॉक हो चुके हैं। क्या यहाँ से रोटेशंस आएंगे, यहाँ पर साहिल जिन जाते हुए उनको रिवाइव देना, आइडर निंजा वहाँ से क्लोज इन करते हुए फ्रॉड को मिलेगा रिवाइव, और यहाँ पर स्पॉन ने यहाँ नॉक कर दिया है, यहाँ पर नॉक एंड फिनिश करेंगे यहाँ पर, और बहुत ही सही यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर दिया है MVP पनिशर को यहाँ पर किल्स। पर साहिल जन यहाँ ओपन में आते हुए, उनको नहीं पता कि हाइड्रा निंजा यहीं पर है उनके पास में ही, और हाइड्रा निंजा यहाँ पर फिनिश निकालेंगे यहाँ पर। वहाँ पर उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, साहिल जन अपना गेम सेंस नहीं यूज़ कर पाए, उनको वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि प्लेयर रोटेशन भी दे सकते हैं यहाँ पर उतना गेम सेंस नहीं यूज़ करते हुए। और यहाँ पर नेड को किया जा रहा है, क्या नेड कनेक्ट होगा, अगर कनेक्ट होता है तो यहाँ पर 2 नॉक्स निकाल सकते हैं यहाँ पर स्पॉन यहाँ पर नेड्स पुल बैक कर चुके हैं वहाँ पर साइड से, इस साइड से नेड्स फेंकने की कोशिश रहेगी, एक नेड पुल इन किया है, क्या कनेक्ट होगा यहाँ पर, नेड चलते हैं उस तरफ और शायद से नेड यहाँ नहीं कनेक्ट होते हुए, और एक और नेड वहाँ पुल इन किया है, क्या एक और नेड यहाँ लगेगा, ओ जस्ट यहाँ पर बचते हुए, पर अभी भी पिक लेके नेड्स फेंकने की कोशिश, पर उस साइड पे बंदे नहीं और नेड यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता हुआ। अब शायद से स्पॉट कर चुके हैं फाइटर को, क्योंकि पोजीशन जान चुके हैं, क्या ये नेड कनेक्ट होगा, शायद से कनेक्ट होने का चांसेस है, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा नेड स्पॉन के द्वारा आते हुए, और यहाँ पर हमें रश देखने मिलेगा ब्लेड के साइड से,
क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ एक कॉक नॉक निकाल चुके हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रोंज शॉट पर हाइड्रा निंजा वहाँ पर अकेले बच चुके हैं। क्या हाइड्रा निंजा यहाँ पर क्लच कर पाएंगे? हाइड्रा निंजा यहाँ पर युवराज मंडल को कंप्लीट करेंगे। एक और प्लेयर फाइटर 2-1 नॉक डाउन है, आखिरी प्लेयर बचे हैं, और यहाँ पर स्पॉन उस ट्रिपल स्टोरी पे आते हुए उनका किल कंफर्म करेंगे यहाँ पर एक मॉलीटॉफ फेंकते हुए, क्या वो मॉलीटॉफ लगेगा यहाँ पर? और हाइड्रा निंजा यहाँ पर टीपीपी लेंगे यहाँ पर क्या? और स्पॉन ने फाइटर का किल कंफर्म किया, पर ब्रोकन वॉल के नीचे यहाँ पर हाइड्रा निंजा ने स्पॉट कर लिया। यहाँ पर तीनों प्लेयर्स को अब यहाँ से फॉल बैक करेंगे या फाइट की एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर फाइट या फॉल बैक करेंगे, क्योंकि अब ये 3v1 का सिचुएशन यहाँ पर रश करना चाहिए मेरे, शायद से यहाँ पर रश करना ही चाहिए, क्योंकि 1v3 का सिचुएशन है। आप यहाँ पर कॉन्कर कर सकते हैं वो प्लेस, पर आप भी रश नहीं करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बंदा कहाँ पर है। पर यहाँ पर हाइड्रा निंजा अपना लोकेशन नहीं बता रहे हैं, और शायद से अब थोड़ा सा पता चल चुका है कि वो भाग रहा है, और वहाँ पर उनको शॉट पड़ता हुआ, और यहाँ पर ब्लेड नॉक होते हुए, पर यहाँ पर स्पॉन X16 यहाँ पर अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए 24 से बॉस्को नॉक है। वॉरियर्स कल अकेले यहाँ पर प्रोन डाउन है पर 1 HP में, पर उनको नहीं पता कि सामने शैडो भी है। ये पिक करते हुए क्या यहाँ नेड एक फेंकेंगे, क्योंकि 3 प्लेयर हाइपर टीम हाइप के नॉक था, टीम हाइपर के नॉक, यहाँ क्या रिवाइव, क्या एक नेड कनेक्ट होगा? पर यहाँ पर टीम एग्जिस्टेंस यहाँ पर थर्ड पार्टी करते हुए, और यहाँ पर हाइपर यहाँ लेके जाती हुई, पर यहाँ पर क्या टीम यहाँ पर ब्लेड यहाँ पर पुश करते हुए, और बहुत ही अच्छा मूव है वहाँ पर स्पॉन उस तरफ से रोटेट करके आते हुए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव है, और यहाँ पर शैडो को भी नॉक कर दिया गया है। स्पॉन के ऊपर नज़र रहेगा, और सामने ही जैसी आ रही है, और यहाँ पर टीम एग्जिस्टेंस यहाँ पर बहुत सही परफॉर्मेंस देता हुआ, और जोन भी शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर, यहाँ पर टीम 24 का टॉप टीम नंबर 1 का फाइट होते हुए यहाँ पर मॉलीटॉफ्स फेंका जा रहा है, स्मोक्स फेंका जा रहा है, RTX जाओ यहाँ पर अच्छा नेड आया, ½ HP इनका लेके जाता हुआ वो नेड पर, इनके ऊपर रश होता हुआ, और यहाँ पर ग्रोजा का जो शॉट पड़ा यहाँ पर IDX सूरज फिनिश होते हुए, टीम 1 फिनिश होते हुए क्या, क्योंकि और इनको शॉट्स पड़ता हुआ यहाँ पर सर पॉप का शॉट पड़ता हुआ, पर यहाँ पर निकल जाएंगे अरमान, यहाँ पर थ्रोन डाउन हो चुके हैं, टीम 11 बच के वहाँ से जाता हुआ। अब 6 टीम्स हैं हमारे पास, टीम 22 अभी भी जोन के बाहर है। पर टीम 11 यहाँ पर क्लोजिंग कर चुका है, और यहाँ पर पर यहाँ पर थोड़ा सा गलत यहाँ पर, और डेथ रेसिंग को भी नॉक फिनिश करेंगे, पर यहाँ पर क्या नॉक नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर डूम एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर आउट होते हुए इस गेम से। पर टीम नंबर 3 और टीम नंबर 6 थोड़े से क्लोज हैं अपने एक दूसरे के पास जाते हुए, पर और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट चले, क्योंकि वहाँ पर टीम पकड़ भी है, और यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर KGF डांटे यहाँ स्प्रे देते हुए, पर थोड़ा सा यहाँ गलत फ्रॉड यहाँ पर अपने टीम, और फ्रॉड यहाँ पर जाते हुए ब्लेड 1 HP बचते हुए यहाँ पर ग्रोजा का डैमेज खाते हुए,
सर यहाँ फर्स्ट एड और यहाँ पर और बहुत सही, यहाँ पर ओ यहाँ पर टीम एग्जिस्टेंस यहाँ पर ख़त्म होती हुई टीम नंबर 6 से। ओपन में आते हुए अगर इनको यहाँ नॉक आता है तो वो ओ यहाँ पर बहुत अच्छा शॉट आरटीआर ब्लास्टर का, यहाँ पर बहुत अच्छा निक नॉक निकल चुके हैं। ओम का इनके ऊपर रश करेंगे यहाँ पर। अब आखिरी प्लेयर बचे हैं इनके ब्रोकन स्टार 786, वो यहाँ पर स्प्रे देने का ट्राई था पर कनेक्ट नहीं हुआ, रिलोड करना चाहिए था पर रिलोड भी नहीं किया और यहाँ पर ख़त्म होती हुई टीम नंबर 22 पर। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर रनिंग व्हीकल पे यहाँ पर पर टीम 24 उसी तरफ से टीम 6 के पास जाते हुए फिर पर और बहुत ही अच्छा यहाँ पर कौसर पर वहाँ पर प्रोन और यहाँ पर हंटर भी नॉक करता है ना, मैं किसान भी नॉक है, आखिरी प्लेयर बचे हैं जो हंटर को नॉक देते हुए पर यहाँ पर कौसर पॉप यहाँ पर प्रोन डाउन है पर पता भी नहीं है किसी को कि वहाँ कौसर पॉप प्रोन डाउन है पर पीछे से आरटीआर ब्लास्टर यहाँ पर खड़पड़ करते हुए और यहाँ पर टीम नंबर 9 टीम हंटर की टीम एलिमिनेट होते हुए और आखिरी प्लेयर्स 3 प्लेयर्स 3v4 का सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ कैसे फाइट्स निकल सकता है हम देखना चाहेंगे यहाँ पर। स्मोक बॉल्स बन चुके हैं 3v4 डबल बादशाह यहाँ पर जोन के बाहर से आते हुए और गाड़ी ब्लास्ट कर चुके हैं यहाँ पर कवर बनाते हुए पर डबल बादशाह जोन के बाहर फाइट लेना चाहते हैं वो। और बहुत ही अच्छा यहाँ नेड आता हुआ यहाँ पर डायनर पिटान भी करते हुए और यहाँ पर ख़त्म होते हुए यहाँ पर टीम 6 यहाँ डिनर लेके जाएगी टीम KGF Devils।